अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि सपोज से हमारे पास कोई भी एक बॉडी जिसका मास m है, वो सर्कल में रोटेट करती है, तो उसके मास का और उसके स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इक्वल अप्लाइड फोर्स तक जो डिस्टेंस होगा उसके स्केयर के साथ उसका प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग है वो आई से डिनोट करते हैं और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये दो चीजों का प्रोडक्ट आ गया, मास का और स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। उसके बाद इसके ऐसा यूनिट देख रहा हूं तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और हमारे पास जो रेडियस होता है बेसिकली वो डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। रेडियस के ऊपर स्केयर है तो मीटर स्केयर बन गया। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कहते हैं कि सपोज करें हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है, वो एक रॉड के साथ इसकी लेंथ l अटैच किया हुआ है। अब क्या करते हैं कि जो ही इस बॉडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की जाती है रॉड के, तो वो क्या करता है अपने ही पिवट के इर्द-गिर्द है वो सर्कल पे रोटेट करता है। अब ये जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की जाती है जिसकी वजह से ये रोटेट करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ f = ma आ जाती है और इसका भी इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब हमें पता है कि जब इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो वो क्या करती है सर्कल मूव करती है विद एंगुलर एक्सेलरेशन ए अल्फा। तो वो हमारे पास अगर देखा जाए तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था इक्वेशन बी लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू r पर एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर ये हमारे पास a की वैल्यू है यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 उतना हो जाएगी बन जाएगी f इक्वल टू m और उसके बाद a की जगह पर क्या आएगा r अल्फा आ जाएगा। अगर हम जो है वो क्या करें दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दें, r से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और r से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो r का स्क्वायर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर दोनों लोग देखें तो ये प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड अप्लाइड फोर्स है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क इक्वल होता है और डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है जो प्रोडक्ट m का है वो r स्क्वायर का वो किसके इक्वल है इनर्शिया के इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा साथ ऐसे भी साथ है। तो यहां से भी ये देखने से पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया करती है। अब अगर हम लोग देखें जिस तरह हमारे पास फार्मूले में है तो फार्मूले में हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं कि हम लोगों ने क्या किया है एफ को रिप्लेस किया है किससे टॉर्क से। तो उस सूरत में हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन से और एम आर स्क्वायर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं m से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है 1 और 2 अगर हम लोग 1 और 2 को जो है हम लोग देखें तो f को किससे रिप्लेस किया rf से यानी कि rf क्या है टॉर्क है यानी कि f को टॉर्क से मैंने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद m को जो है वो मैंने mr से रिप्लेस कर दिया। लीनियर एक्सेलरेशन को जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दिया। तो इस सूरत में हमारे पास जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात कर रहा है ये क्या करता है सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में किसके साथ जैसा कि हमारे पास सिंपल मैथ है वो लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसका फार्मूला देखें आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर तो यहां से देखने से पता चलता है कि ये मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। मास के कम ज्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज्यादा हुआ और ये डिस्टेंस से कम ज्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ कम ज्यादा हुआ। प्रैक्टिकली हमारे पास क्या होता है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पार्टिकल को लोग किस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विंड से एक पार्टिकल इधर है एक पार्टिकल इधर है तो उस सूरत में उसका मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी चेंज होता है। इसी को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिजिड बॉडी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहां पर सपोज करें कि हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है जिसके ऊपर मास के पार्टिकल्स हैं वो m1 m2 m3 एट अ डिस्टेंस r1 r2 r3 और सो ऑन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो अब हमारे पास देखिए कि सपोज करें फॉर अ व्हाइल ये रिजिड बॉडी क्या करती है वो अपने ही एक्सिस के सर्कल में रोटेट करती है। जब रोटेट करेगी तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के इक्वल होगी और जो ही ये बॉडी रोटेट करेगी तो हर पार्टिकल की वजह से क्या होगा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क ड्यू टू मास m1 टॉर्क m1 r1 का स्क्वायर अल्फा 1 ये कहां से मालूम
दोनों ये है वो यहाँ पर ड्राइव किया है कि ये टार्ग है, टार्ग इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास